हेलो एवरीवन, ये नया ड्रामा सीरीज इस तरह से स्टार्ट होता है कि हमें ईयर 2011 का एक सीन दिखाते हैं। हमारी फीमेल लीड जिसका नाम चूषा है, उसके पीछे कोई दुश्मन पड़ा हुआ होता है और वो जंगल में उससे बच के आगे आगे भागने की कोशिश में होती है, लेकिन वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां आगे खाई थी और वो हिल टॉप पर खड़ी थी। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका पैर स्लिप होता है, वो जैसे ही गिरने लगती है तो उसका दुश्मन उसको हाथ पकड़ के बचा लेता है, लेकिन सिर्फ इतना कहकर उसे गिरा देता है कि तुम्हारे साथ साथ सारे राज भी आज दफन हो जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें ईयर 2021 में ले आते हैं, 10 साल आगे। आज सुपर मून की रात है और ये फेनोमेना 10 साल बाद दोबारा हुआ है। जो पहले 2011 में हुआ था, अब वो 2021 में हो रहा है। और यहाँ पर हमारा मेल लीड हमें नजर आता है जिसका नाम शियाओडोंग है। वो एक सेरेमनी में खड़ा हुआ होता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था, एक बहुत बड़ी गेम की लॉन्चिंग का। उस गेम का नाम बैटल ऑफ सेंट्स था और ये गेम बहुत फेमस थी सब लोगों के बीच। शियाओ इसी इवेंट में एक छोटी सी जॉब कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर अचानक से सर्वर के साथ कोई इशू होने लगता है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सक रहा था। और उसी समय शियाओ को अपने ऊपर स्नो गिरती हुई फील होती है। वो ऊपर देखता है तो वो स्नो चूषाया के कपड़ों से उसके ऊपर गिर रही थी। वो चूषाया को बड़े मजे से कैच कर लेता है और फिर इसके साथ ही सर्वर का जो भी इशू था वो एकदम करेक्ट हो जाता है। चूषाया जब अपनी आंखें खोलती है और एक लड़के को खुद को उठाए देखती है तो उसे थप्पड़ लगाकर वहां से निकल जाती है। अब शियाओ हैरान था कि ये लड़की क्या आसमान से टपकी थी, क्योंकि इर्द गिर्द कोई भी बिल्डिंग नहीं थी। अब यहाँ से जब वो अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस जा रहा होता है तो उसका फ्रेंड जिन भी उसके साथ था, ये उसका बेस्ट फ्रेंड था। इतने में अचानक से फिर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजिंग्स होती हैं और पास से गुजरती हुई चूषाया सीधी टेलीपोर्ट होकर उसकी गाड़ी की डिग्गी में पहुंच जाती है। और इसके साथ ही जो भी इश्यूज थे मैग्नेटिक फील्ड के, वो दोबारा से सॉल्व हो जाते हैं। शियाओ पीछे एक बॉक्स फेंकता है जो चूषाया के सर पर लगने से वो वहीं बेहोश हो जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली शियाओ अकेला रहता है, उसकी कोई फैमिली नहीं। उसकी मम्मी डैडी की बहुत सालों पहले डेथ हो गई थी और अब सिर्फ और सिर्फ उसकी एक आंटी ही है जो अक्सर उसके घर उसे मिलने के लिए आती हैं, लेकिन उसके लिए खुशियां कम और परेशानियां ज्यादा लाती थी क्योंकि उसके नेबर्स में सबसे लड़ाइयां करके जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली आंटी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो कहती है कि मैंने एक बड़ी सी कंपनी में तुम्हारे लिए एक जॉब अरेंज की है, अभी इंटर्नशिप पर जाओ, अगर अच्छा काम किया तो पक्के लग जाओगे। शियाओ बार बार मना करता है तो वो रोने का नाटक करने लगती है और ये भी कहती है कि कल को मैं अपनी दीदी को और जीजू को क्या शक्ल दिखाऊंगी। और उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से शियाओ को मानना ही पड़ता है। अब जब आंटी चली जाती है तो हमें पता चलता है कि शियाओ की लाइफ में एक बहुत बड़ा राज है और ये राज सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड जिन ही जानता है। एक्चुअली वो बिल्कुल भी गरीब नहीं है। वो एक छोटी सी बिल्डिंग में रहता है जो कि चीप सा एरिया लगता है, लेकिन एक्चुअली उसका एक सीक्रेट रूम है और ये सीक्रेट बेस उस बिल्डिंग के पूरे फोर्थ फ्लोर पर बनी हुई है जो उसने खुद ही खरीदी थी। और बैटल ऑफ सेंट्स गेम जो थोड़ी देर पहले लॉन्च हो रही थी, उसका डेवलपर और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो शियाओ ही है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक मास्टरमाइंड है, एक बहुत अमेजिंग हैकर है, लेकिन वो अपना एक लो प्रोफाइल रखना चाहता है। इसीलिए उसने विंटर का नाम यूज करके उस गेम का डेवलपर बना, लेकिन कोई भी असल में नहीं जानता कि वो शियाओ ही विंटर है। यहाँ सीक्रेट बेस में वो एक इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा होता है। शायद उसने किसी मर्डरर को पकड़ना है या किसी कल्प्रिट को। ये कौन है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन ये उसकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन लगता है। उसके बाद हमें चिन योए को दिखाते हैं। ये लड़की एक बहुत बड़े ऑफिस में जाती है और सीईओ की सीट पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड का ऑफिस है। अब खुद ही सोचें, इसका बॉयफ्रेंड इसे कितनी इज्जत देता होगा जब बॉयफ्रेंड का असिस्टेंट ही इसे जरा इज्जत से नहीं बुलाता। अब इसको पता चलता है कि प्रेसिडेंट वे जो कि इसका बॉयफ्रेंड है, वो आज एक स्पेशल लेक्चर डिलीवर करने गया है। उधर हमें चूषाया को दिखाते हैं। वो जब सुबह उठती है, डिग्गी से बाहर निकलती है, तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कहाँ से आई है, कहाँ को जा रही है या उसका कौन है इस दुनिया में। उसे भूख लगती है, वो एक पकौड़ों के स्टॉल पर जाने ही लगती है कि अचानक से वहां से गायब होकर टेलीपोर्ट हो जाती है सीधी शियाओ के वॉशरूम में जो उस वक्त नहा रहा था। अब इस पॉइंट पर उन दोनों की शक्ल देखने वाली थी। शियाओ को तो लगा था जैसे उसकी किसी ने इज्जत ही लूट ली हो। वो किसी तरह से उस लड़की को पकड़कर बाहर निकालता है और फेंक कर पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुंची? कभी उड़ती हुई मेरी गोद में लैंडिंग करती हो तो कभी सीधी मेरे वॉशरूम में पहुंच जाती हो। तुम कैसे करैक्टर की लड़की हो? अब चूषाया को उसकी बातों से काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में जलती हुई उसके घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन दोबारा से जब उसी पकौड़ों वाले स्टॉल पर पहुंचने ही वाली होती है कि फिर से टेलीपोर्ट हो जाती है। अब उसे लगा था कि शायद ये कोई भूत है या कोई आत्मा है,
और ये कैसे बंद दरवाजों से मेरे घर में आ जाती है। यहाँ पर वो सोचता है कि क्यों ना इसकी हेल्प की जाए। अब वो ये बात सॉल्व करने के लिए उसको एक ट्रैकर देता है और अपने स्पेशल रोबोट जिसका नाम ट्यूरिंग था उसको ऑर्डर करता है कि इसके सारे डाटा को और जियो पोजिशनिंग को तुमने एनालाइज करके मुझे रिपोर्ट देनी है। अब बार बार शाया जैसे ही उस पॉइंट पर पहुँचती थी तब वो दोबारा से आकर उसी के पास टेलीपोर्ट हो जाती थी। ऐसा बहुत दफ़ा होता है, इतनी दफ़ा कि अब बेचारी चूशाया तो थक गई थी और उसको लगा था कि उसी पकौड़ों वाले स्टॉल के पास एक ब्लैक होल है जो वो श्याओ को दिखाने के लिए उसे अपने साथ ही ले जाती है। श्याओ जैसे ही घर से निकलता है तो उसकी नेबर आंटी इसको देखकर लगता है कि जैसे श्याओ अपने घर में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया हुआ है। अब वो दोनों ये सुनकर शर्माते हैं और फिर अपने काम से निकल जाते हैं। लेकिन अब की बार जब श्याओ उसके साथ साथ था तो कोई भी ब्लैक होल नहीं होता और वो बड़े मज़े से उस स्टॉल को क्रॉस करके गुजर जाते हैं। उधर हमें प्रेसिडेंट वे को दिखाते हैं, लिटरेचर पर एक लेक्चर दे रहा होता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड चिन भी आ जाती है। लेक्चर ओवर होने के बाद वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बर्थडे हो तो तुम उसे आज कहाँ लेकर जाओगे। लेकिन वो उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स जो उसके फैंस भी थे उसके पीछे पीछे चलते हैं और जिनकी टक्कर की वजह से चिन जो बर्थडे केक आज लेकर आई थी वो भी सारा खराब हो जाता है। उधर ट्यूरिन ने रास्ते में एनालाइज करके अब श्याओ को रिपोर्ट दी थी कि ये जो भी सब्जेक्ट जो भी चीज़ तुम्हारे साथ फिर रही है उसे एक्चुअली ये ही इशू है कि वो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहे और अगर ये एक स्पेशल डिस्टेंस से ज्यादा तुमसे दूर जाती है तो फौरन से टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे पास आ जाती है, इसलिए तुम दोनों इकट्ठे रहो। और मैंने फील किया है कि टाइम के साथ साथ ये डिस्टेंस श्रिंक भी हो रहा है। अब ये सुनकर श्याओ को भी बहुत गुस्सा आता है और चूशाया को भी। अब उन दोनों को इकट्ठे ही रहना पड़ेगा वरना दुनिया उनको टेलीपोर्ट होते बार बार देखती रहेगी। उधर वे अब चिन के पास आता है, उसे हैप्पी बर्थडे कहता है और साथ में गिफ्ट देता है। चिन को लगा था कि कुछ तो स्पेशल होगा लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था जो वो कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ रिन्यू कर रहा हूं। अब ये सुनकर चिन यूए को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि आखिर तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं बुला सकते, क्यों नहीं मुझे अपने दिल में जगह देते, वो मिसिंग हो गई थी, वो कभी वापस नहीं आएगी। वे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अपनी एक्स लवर के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और चिन योए बस उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर अपना गुस्सा निकालती रहती है। आज श्याओ इंटर्नी बनकर उसी नई कंपनी में गया था जहाँ उसकी आंटी ने उसे रिकमेंड कराया था। वहाँ पर जो मैनेजर उस आंटी का फ्रेंड लगता था वो उससे पूछता है कि ये कौन तुम्हारे साथ है। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि फ्रेंड बोले क्लासमेट या फिर कज़न, वो उल्टे सीधे नाम लेते रहते हैं। अब इन दी एंड श्याओ से यही कहता है कि तुम इसी बिल्डिंग में मेरे आसपास ही रहना, अगर दूर गई तो फिर दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाओगी। अब वहाँ पर श्याओ के जो कोलीग्स थे वो जब चूशाया को देखते हैं तो उसे देखते ही हैरान रह जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उनको यही लगता है कि ये श्याओ की गर्लफ्रेंड होगी लेकिन ये झूठ बोल रहा है कि ये मेरी कज़न है। श्याओ ने अब अपने काम के बारे में सीखने के लिए जाना था तो वो श्याओ को एक बच्चे की तरह अपना फ़ोन देकर बिठाता है कि यहाँ से तुमने हिलना जुलना नहीं। तो यहाँ पर कोलीग्स के थ्रू चुशाया को पता चलता है कि ये गेम बैटल ऑफ सेंट्स है और इसे जिसने डिज़ाइन किया है उसका नाम विंटर है। वो गेम में ऐसा ही करता है कि जो लोग किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं वो उनकी हेल्प करता है गेम में। अब चुशाया उसी फ़ोन के थ्रू विंटर को मैसेज करती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं भी अपना आप भूल चुकी हूँ, किसी नई दुनिया में फील करती हूँ, इसी उम्मीद पर कि शायद हज़ारों मैसेजेस में से कोई एक मैसेज वो मेरा भी पढ़ ले। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि शाम को श्याओ और चूशाया अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं लेकिन इतने में श्याओ का फ्रेंड जिन बाहर आकर उसे बुलाने लगता है कि दरवाज़ा खोलो। अब श्याओ ऐसा करता है कि चूशाया को अपने बेडरूम में लॉक कर देता है कि तुमने यहाँ से बाहर नहीं निकलना, लेकिन वो बार बार किसी कर्टन के पीछे से अपना सर निकाल कर खड़ी हुई होती है। अब जिन श्याओ से मिलने के लिए आता है और उसके लिए डिनर भी लेकर आया था। जिन को इतना तो पता था कि कल इसके साथ एक हादसा हुआ था और अंडर दी मूनलाइट एक लड़की इसकी गोद में आकर गिरी थी और अब वो उसके घर तक भी पहुंच गई थी। और जब वो ये सुनता है कि वो लड़की उसके आसपास रहे उसकी मजबूरी है, उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, तो वो हैरान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कंप्यूटर पर सारा दिन काम कर करके मेरे फ्रेंड का तो दिमाग सटक गया है। वो उससे कहता है कि कहाँ है वो लड़की, मुझे तो दिखाओ, मुझे तो कहीं नजर नहीं आती, आई थिंक तुम्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। और अंदर चूशाया डर के मारे कबर्ड में घुसने लगती है छुपने के लिए क्योंकि जिन तो दरवाज़ा खोल कर अंदर भी आने लगा था। अब श्याओ किसी तरह से जिन को अपने घर से बाहर निकालता है और जब अंदर आकर देखता है तो बेचारी चूशाया उसी सीक्रेट दरवाजे में अपना हाथ फंसा कर खड़ी हुई थी। अब श्याओ जैसे ही उस दरवाजे को खोलने का ऑर्डर करता है तो उसके पीछे की सीक्रेट बेस भी खुल जाती है। चूशाया ये दूसरी दुनिया तो देख कर एकदम हैरान थी। श्याओ अब उससे झूठ बोलता है कि एक्चुअली ये मैं किसी के काम में हेल्प कर रहा हूँ। एक जीनियस प्रोग्रामर है जो कि लो प्रोफाइल रखना चाहता है तो उसकी काम में थोड़ी बहुत हेल्प मैं करता हूँ।
अब इससे आगे भी एक सीक्रेट जगह थी जहाँ पर चू शाया जाना चाहती थी, लेकिन शियाओ से रोकते कि यहाँ पर मेंस का हेवन है, वहाँ लड़कियों का जाना बिल्कुल अलाउड नहीं। और उसके बाद वो पूरी तरह से उसे स्कैन कराता है और उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है, उसकी वॉइस को भी, इमोशंस को भी, लेकिन उसका इतना एडवांस्ड रोबोट भी इस बारे में कोई एनालिसिस नहीं दे सकता था। अब चू शाया ये सुनकर परेशान हो जाती है, वो इतनी पैनिक हो गई थी कि गुस्सा करने लगती है और उसके गुस्सा करने के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आती हैं और सर्वर अपसेट होने लगता है। अब शियाओ जैसे ही उसे काम डाउन कराता है तो हर चीज नॉर्मल हो जाती है। अब शियाओ ये फिनोमेना देखकर बहुत हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हमें एक लैब का सीन दिखाते हैं जिसमें बहुत सारे रिसर्चर्स खड़े हुए थे और एक प्रोफेसर चेन भी होते हैं, और उन्हें जब डाटा मिलता है और वो इसी पर रिसर्च कर रहे होते हैं, और अब उन्हें एक डाटा मिलता है कि लास्ट टाइम 10 साल पहले और अब के सुपर मून में कोई ना कोई लिंक है और बहुत से सस्पिशियस इंसिडेंट्स भी हुए हैं। तो ये डाटा सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको देखकर ऐसे लगता था कि जैसे वो कुछ तलाश करना चाहते हैं। उधर शियाओ को तो यही लगा था कि शायद चू शाया एक एलियन है, और चू शाया को भी यही फीलिंग आने लगी थी कि शायद ऐसा ही हो क्योंकि उसके पास तो सुपर पावर्स भी थी। वो वहीं बैठे बैठे जब सो जाती है तो शियाओ अपने फोन पर मैसेज देखता है कि उसने विंटर को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, और जिस तरह से उसने उससे रिक्वेस्ट की थी वो खुद को रोक नहीं पाता। चू शाया उस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी, वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तलाश करने में कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, इसलिए कल हम शहर के टूर पर जाएंगे, हो सकता है तुम्हें कुछ यादें आ जाए। वेल, अब सोने का टाइम हो जाता है। चू शाया बड़े मजे से बेड पर आकर लेट गई थी और उससे कहती है कि तुम सोफे पर बाहर सो जाओ, लेकिन शियाओ उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकालता है और गुड नाइट बोल देता है। चू शाया उसे बस यही कहती रह जाती है कि तुम बिल्कुल भी एक जेंटलमैन नहीं। उधर रात को डिनर के टाइम पर चिनजोय अब अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वे का वेट कर रही होती है, लेकिन वो अपने एक असिस्टेंट के थ्रू सिर्फ उसे एक प्रेजेंट भेज देता है, जो देख कर चिनको बहुत गुस्सा आ गया था कि एक बैग तो मैं खुद भी खरीद सकती हूँ। वो गुस्से में आकर अपनी हील्स फेंकने लगती है, तो यहीं से उसे याद आता है कि उसकी पहली मुलाकात वे के साथ यहीं पर हुई थी जब एक शू स्टोर पर उसने उसे जूते खरीद कर लिए थे। उधर आधी रात को शियाओ की आंख खुलती है तो चू शाया उसके कमरे में बेड के पास ही बैठी हुई थी। वो एक्चुअली पैनिक हो गई और इसकी वजह से उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस श्रिंक हो गया था। अब शियाओ उसे खिड़की के पास खड़ा करके खुद मजे से बेड पर सो जाता है, लेकिन जिस तरह से वो एक आत्मा की तरह घड़ी उसे घूर रही थी, शियाओ को भी नींद नहीं आती, और इन दी एंड वो बिल्कुल दरवाजे के बाहर अपना सोफा लगा कर उससे कहता है कि तुम कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन अब चू शाया की नींदें उड़ चुकी थी, वो उसे बार बार आकर जगाती और उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने मुझे डिनर ही नहीं कराया। अब ये कहती हुई वो इतनी क्यूट और इतनी स्वीट लग रही थी कि शियाओ को भी उस पर रहम आ जाता है और वो उसे अपने साथ खाना खिलाने ले जाता है। खाना तो उसने बहुत सारा खा लिया था, लेकिन साथ ही साथ कहती है कि ये खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं बना हुआ, और उस खाने के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताने लगती है कि इसे किस तरह से पकाया जाना चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ यही खाना पकाना याद आया था, इसके अलावा कोई और दूसरी मेमोरी नहीं आई थी। मतलब यहाँ पर शियाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि देखो मैं एक बहुत ही गरीब इंसान हूँ, ऑल्दो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत रिच था लेकिन गरीब बनने का नाटक करता था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर जितना भी खर्चा कर रहा हूँ उस सारे का मैं रिकॉर्ड रखूंगा, और जब कभी भी तुम्हारी फैमिली मिल जाएगी या तुम्हें कुछ याद आ जाएगा तो ये सारे पैसे तुमने मुझे वापस करने होंगे। चू शाया को ऑफ कोर्स ये बात माननी ही थी। अब वहां से वापस जाते हुए चू शाया को एक जगह पर कुछ किटन्स की आवाजें आती हैं, वो उनको जाकर संभालने लगती है। तो यहाँ पर शियाओ को रियलाइज होता है कि ये बहुत सॉफ्ट हार्ट रखती है और बहुत स्वीट टाइप की लड़की है। इतने में वहां पर बारिश होने लगती है और शियाओ उसे खुद के साथ कवर करता हुआ घर की तरफ ले जाता है। अब हमें दिखाते हैं कि चिन युए एक्चुअली वे से बहुत प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि कभी भी वो उसे छोड़कर जाए, जबकि वे अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मूव ऑन नहीं कर सका था, उसने आज भी उसकी यादें संभाल कर रखी ही थी। उधर चू शाया सुबह ही सुबह शियाओ को जगाना चाहती थी, आज वीकेंड था वो उठ नहीं रहा था, तो ऐसा करती है कि एक बाउल में पानी भर कर ले आती है, जो कि एक्चुअली शियाओ की अपनी ही गलती की वजह से उसके ऊपर उलट जाता है, लेकिन वो इतना अच्छा था कि उसने थोड़ा भी चू शाया को डांटा नहीं था। अब वो बाईसाइकिल पर जाने लगते हैं, लेकिन चू शाया को बाईसाइकिल चलानी ही नहीं आती थी, तो शियाओ को उसे अपने साथ ही राइड देनी पड़ती है, लेकिन वो कहता है कि इस राइड का किराया भी मैं तुम्हारे बिल में जरूर डालूंगा। अब वो उसे सारा शहर घुमाता है, एक जगह आइसक्रीम भी खिलाता है, लेकिन आइसक्रीम खाते खाते वो इसके बनाने के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताती है, लेकिन याद और कोई भी नहीं आई थी। अब चू शाया को वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि शियाओ बेचारे ने सारा दिन उसे शहर की सैर में ही गुजार दिया था,
लेकिन जियाओ खुद ही अपना इमेज खराब कर लेता है और उससे कहता है कि मैं तो इसी उम्मीद पर तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ कि काश तुम एक बहुत बड़ी फैमिली की दिख लो, इतनी रिच हो कि कल को तुम्हारा परिवार तुम्हारी हेल्प करने पर मुझे बहुत सारा रिवार्ड दे और मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाए। जो शाया अब घर पर शियाओ के ही कपड़े पहनती थी तो वो उसे शॉपिंग भी कराता और बहुत से कपड़े भी लेकर देता है, कैसा मैं बिल में डाल दूंगा। अब उसके वापस जाते ही उसके घर पर जिन आ जाता है जो सबसे पहले तो उसके ऊपर एक तंत्र मंत्र वाले पानी से स्प्रे करता है क्योंकि उसे लगा था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को आत्माएं नजर आती हैं। लेकिन एक्चुअली उसके सामने यही नाटक करता है कि जैसे उसे इसकी कहानी पर पूरा विश्वास है। अब वो शियाओ के लिए खाना भी लेकर आया था, शियाओ से सारी बात सुनाते सुनाते वो खाना खाने लगता है, लेकिन जब वो देखता है तो उस खाने पर भी उसने तावीज़ की तरह से कुछ तंत्र मंत्र लिखवाए हुए थे। अब वो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उससे कहता है कि तुमने मुझे पागल समझ रखा है, इसलिए बेहतर है कि तुम घर से ही निकल जाओ। हमने पहले देखा था कि शियाओ एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो वो ही इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो आज एक काम पर जाता है। चुशाया को वो झूठ बोलता है कि वो पार्ट टाइम जॉब पर जा रहा है और जॉब वालों को ये कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसे बिल्कुल काम शाम नहीं आता, थोड़ी दिमाग से ढीली है, इसलिए इसे काम सिखाने लाया हूँ। और वहाँ पर वो वेटर बनकर शैंपेन सर्व करने लगता है। वहाँ जो दो लोग थे उनमें से एक का वो फोन से डाटा चोरी करने लगता है अपने फोन में ट्रांसफर करते हुए, लेकिन एंड टाइम पर अब लग रहा था कि जैसे वो पकड़ा जाने लगा है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।